16 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, बनाएंगे खास रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री बनने की चाह में तेजस्वी यादव, मांझी और सहनी से संपर्क का प्रयास जारी। महागठबंधन में छिड़ा महाघमासान, सीपीआईएमएल के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने साधा कांग्रेस पर निशाना। लगता है कि बिहार ने ये तय कर दिया कि आने वाली जो भी सरकार है उसको किस एजेंडे पर काम करना है, इसी पर ये सरकार कटघरे में रहेगी, जनता हिसाब लेती रहेगी और सरकार को जवाब देगी। क्या लगता है चूक कहाँ हो गई कांग्रेस, क्या कांग्रेस थोड़ी चूक हो गई, क्या लगता है? अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित थी। सीएम आवास पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। मांझी ने कहा इस बार नहीं बनेंगे मंत्री। हम ही नहीं विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, राजद वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। नया चुनाव के बाद अकेले हम थे, कोई बात थी। आज हम लोग पांडव हैं, पाँच हैं, एक से पंच में और सारी पाँचों बैठ करके हम लोगों ने आज तय किया और सम्मिलित रूप में मुख्यमंत्री जी को हम लोग ठीक है बधाई देने जा रहे हैं। कांग्रेस लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद दिया है, इसके बारे में तो पहले ही बोल दिया है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मंत्री पद एक्सेप्ट कम से कम हम नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई कानूनी बात का नहीं है, दरोगा प्रसाद राय खिलाफ पांडे मुख्यमंत्री होते हुए भी बाद में मंत्रालय में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, अपना सिद्धांत है, हम गरीब आदमी हैं लेकिन एक सिद्धांत पर चलते हैं। दरभंगा के सीएम आर्ट कॉलेज परिसर में स्नातक एवं शिक्षक की आज गिनती सुबह 8 बजे से शुरू। स्नातक के 17 उम्मीदवार एवं शिक्षक के 13 उम्मीदवार की भाग्य का फैसला होगा आज। जमुई जिले में दीपावली और धनतेरस को लेकर शहर के मुख्य बाजार में लगी भीड़। धनतेरस के मौके पर बर्तन दुकान, पटाखा एवं मिट्टी से बने खिलौने के खरीदने के लिए बाजार में जुटे लोग।